वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, क्योंकि अभी आजकल कोरोना वायरस का बहुत ज़ोर चल रहा है हमारे इंडिया में। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी मेरे व्लॉग के थ्रू कि सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए, घरों में ज़्यादा रहिए, बच्चों का ध्यान रखिए और हाथों को बार बार धोते रहें और हमेशा नमस्ते करें, किसी को भी मिलकर शेक हैंड ना करें आजकल। तो बस यही गुजारिश करना चाहूँगी। तो यहाँ शाम का टाइम है तो मैंने सोचा थोड़े कपड़े वगैरह ले लूँ, और आपको आश्चर्य होगा ये सुन के कि आज मेरे कपड़े इस टाइम पे धुल रहे हैं। ये बिल्कुल शाम है, मतलब रात होने से पहले वाला टाइम चल रहा है और मेरे कपड़े धुल रहे हैं। तो वो सब मैं आपको कैमरे के सामने आके बताऊंगी, लेकिन जैसे शाम का रूटीन शुरू हो रहा है वैसे मेरा शाम का रूटीन क्या रहता है, माय रियल इवनिंग रूटीन जो कि शाम का रहता है। तो वैसे तो कई बार शेयर कर चुकी हूँ, कुछ नया नहीं है, लेकिन होता है ना, आपको रोज़ मुझे देखना अच्छा लगता है, जबकि आप रोज़ मुझे वही सेम कामों के साथ देखते हैं, लेकिन आपको फिर भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है वही रोज़ काम करना आप लोगों के सामने। आपको भी एक एनर्जी आ जाती है और आप लोगों के लिए व्लॉग बना के मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और होता है ना, हमारे जो घर के काम होते हैं वैसे तो रूटीन वर्क्स होते हैं, लेकिन जब मन लगा के करते हैं और खुश होके करते हैं और किसी को इस तरह से काम करते हुए देखते हैं एकदम एनर्जी के साथ, तो हमारे अंदर भी एनर्जी आ जाती है। शायद यहीं पे व्लॉग्स काम करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे व्लॉग्स देख के आपको क्या ऐसा फील होता है कि आप बार बार मेरे चैनल पे मेरे व्लॉग्स देखने के लिए आते हैं। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है मेरी, जिस वजह से जो आपको मेरे चैनल के साथ बांध के रखती है, वो मैं जानना चाहती हूँ ताकि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूँ मेरे अंदर। क्योंकि आजकल है ना, व्यूज़ काफ़ी डाउन जा रहे हैं मेरे व्लॉग्स पे, जबकि व्लॉग्स काफ़ी अच्छे बना रही हूँ मैं, रेसिपीज़ भी शेयर कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, रूटीन भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिटचैट है, स्टिल बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं। तो थोड़ा सा दुख हो रहा है मुझे यार, आजकल मैं आपके साथ दिल की बात छुपा नहीं सकती, आपसे बता ही देती हूँ कि मुझे आजकल काफ़ी हर्ट हो रहा है। आपसे कोई भी चीज़ छुपाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज आई लव यू अ लॉट। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुल रहे हैं और काफ़ी देर से चल रही है मशीन, तो दोपहर में सोचा था लगाने का, लेकिन कुछ ना कुछ काम हो जाता है ना, कभी कभी हम इतने स्टक हो जाते हैं कि जाके भी हम पूरा काम नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी ना मुझे ये मिडी पहनना बहुत पसंद है, घर में बहुत बार मैं पहन लिया करती हूँ। एक्चुअली मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था तो विवेक ने मुझे फ़ोन ला के दिया है, तो कुछ लोगों ने लिखा भी था कि दीदी आपके ऊपर ये मिडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोगों को ये मिडी मेरे ऊपर बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि दीदी आप जब ये लाइनिंग वाले कपड़े पहनते हो ना, स्ट्राइप वाले, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न था कि मैं डायरेक्टली ये वॉशर में से निकाल के स्पिनर में कपड़े क्यों डाल देती हूँ। तो एक्चुअली मैं स्पिनर में ही उनको निचोड़ लेती हूँ, खंगाल लेती हूँ पानी में से, बस इसीलिए। तो यहाँ पे मैं कपड़े सुखाने के लिए आ गई हूँ। और कभी कभी ना जब मॉर्निंग में टाइम ना मिले ना, या फिर आपको कोई अर्जेंट काम हो, तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी, शाम को धो लो कपड़े। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि कोई भी काम उसी काम के टाइम पर करना होता है। मैं अपने रूटीन को काफ़ी फ्लेक्सिबल रखती हूँ गाइस। जब कभी भी सुबह में मुझे कहीं बाहर जाना होता है या वर्कलोड ज़्यादा होता है वीडियो का, या किसी दिन कोई स्पेशल रेसिपी है और हम इतना बिजी हो जाते हैं कि बहुत वक्त नहीं होता, तो उस दिन मैं इस तरह से चला लेती हूँ। और चला ही लेना चाहिए, मतलब इसी तरह से अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल रखिए, कभी भी लाइफ में हार्ड एंड फास्ट मत रहिए। देखिए, ज़िंदगी जीने का मज़ा ही आपको और आएगा, क्योंकि है ना लेडीज़, हम लोग जो होते हैं ना, वो सुबह के रूटीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं। जो काम सुबह में करना है वो सुबह में ही करना है, हम उसे शाम पर नहीं डालते हैं। लेकिन अगर कभी आपको बहुत थकान लग रही है, कोई परेशानी है, कहीं जाना है, तो भैया अपने रूटीन को फ्लेक्सिबल कर लो और बाद में कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है, शाम को कर लो। तो मैंने आज वही किया है, सुबह में ये काम छोड़ दिया था, वर्कलोड ज़्यादा था, तो मैंने सोचा चलो शाम को कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया तो वो मैं अटेंड कर रही हूँ। और कुछ लोगों ने मुझसे कुछ लिप्क्रियन की जानकारी मांगी थी, वह ऑफर चल रहा है पर्पल पे, दो लिप्क्रियन अगर आप खरीदोगे तो एक फ्री। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आगे की क्लिप। ओके गाइस, तो लास्ट टाइम जब मैंने पर्पल की लिप क्रियॉन और लिपस्टिक यूज़ की थी तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, और मैंने खुद भी बोला था कि मैं आपको रिव्यू करूँगी बहुत सारे लिप क्रियॉन और लिपस्टिक मंगा के। तो फिलहाल मैं ना, मैंने यहाँ पे ना 7 लिप क्रियॉन मंगवाए हैं पर्पल के, सिर्फ आपके लिए, मतलब आपको रिव्यू करने के लिए, क्योंकि इनका फॉर्मूला मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया। और ये ना आप ऐसे समझ लो, बिल्कुल मेरी पर्सनल राय है लिप क्रियॉन के बारे में, क्योंकि एक मैं लगा के बैठी हुई हूँ। ये देखिए जरा भी निकलता नहीं है इतना, और जब आप लगाओगे ना तो इट्स लाइक जैसे मतलब बटर की तरह स्मूथली आपके लिप्स पे ग्लाइड हो जाएगा, और विद इन 1 मिनट पूरा सेटल हो जाएगा मैट में। और ये वैसा वाला मैट है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल मैट होता है, मतलब जैसे होता है ना कि आप जब लिक्विड लिपस्टिक लगाते हो तो बीच में से निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल सा टेक्स्चर होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई अप कर देता है लिप्स को। ये जो टेक्स्चर है ना, ये एग्जैक्टली वो टेक्स्चर है जो मुझे पसंद है, जैसा मुझे चाहिए होता है। तो मैंने लास्ट टाइम जब सूरत जाते हुए कुछ अप्लाई किया था, एक
ब्राउन कलर का, तभी मैंने सोच लिया था कि इसके बहुत सारे कलर्स मंगा के आपके लिए रिव्यू करूँगी। और एज वेल एज जो मैंने लिपस्टिक अप्लाई की थी पर्पल वेलवेट मैट लिपस्टिक, उसके भी मैंने कलर्स मंगवाए हैं बहुत सारे, तो वो भी मैं आपके लिए रिव्यू करने वाली हूँ, सो दैट आपको भी बाय करने में आसानी रहे। देखिए एकदम पास से आपको दिखाती हूँ, और इसीलिए मैं वाइट लाइट में शूट कर रही हूँ क्योंकि अंदर के रूम में लाइटिंग थोड़ी सी ऐसे चेंज सी लग रही थी मुझे, तो मैं यहाँ आके बैठी हूँ आगे वाले रूम में जिसमें बिल्कुल वाइट लाइट सामने चली हुई है, और एक ही येलो लाइट ऑन है उसको भी ऑफ कर देती हूँ एक मिनट। तो या अब आप देख सकते हो एकदम आपको रियल पिंक कलर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसका ये वाला कलर आपको दिखा देती हूँ जो मैंने अप्लाई किया है, वन मिनट, बहुत सारे कलर्स हैं। या ये है, इसका नाम है पर्पल प्ले टाइम सॉफ्ट मैट लिप क्रियॉन, और ये जो शेड मैंने अप्लाई किया हुआ है दिस इज 20 Question Time 4। अब मुझे नहीं पता ये कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा वाला पिंक शेड है, बहुत डार्क पिंक शेड नहीं है ये का पैकिंग है, और कितना प्यारा सा पैकिंग है आप खुद देख सकते हो, कितना ज़्यादा ट्रेवल फ्रेंडली है, और इतना सारा आपको इसमें क्रियॉन मिलता है। ये इस तरह से नहीं है, आपको शार्पन ही करना पड़ेगा, लेकिन कलर इज़ ऑसम लाइक एनीथिंग। ये उन पिंक लवर्स के लिए है जिनको ना बहुत ज़्यादा डार्क पिंक मजेंटा शेड पसंद है और ना ही बहुत लाइट, बीच का शेड चाहिए, तो वो ये बाय कर सकता है। एंड यू वॉन्ट बिलीव गाइज, अगर आपने इसको एक बार लगा लिया ना, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इसको यूज़ कर रही हूँ, इसके दो लिप क्रियॉन्स ऑलरेडी मेरे पास थे, तब मुझे इतना पसंद आया कि मुझे लगा कि बहुत सारे कलर आपके लिए रिव्यू करने चाहिए, तो अलग से वीडियो बनाने की जगह मैं आज व्लॉग में ऐड कर रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पे चल रहे होंगे कुछ ना कुछ अमेजिंग ऑफर्स, तो आपको ऑफर में और भी ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। जो MRP है दैट इज़ 425 rupees, लेकिन वहाँ पे कोई ना कोई ऑफर तो आपको मिल ही जाएगा। एंड एक बार आपने मॉर्निंग में लगा लिया यू आर डन, आपका शाम तक कहीं नहीं जाएगा, आप खा लो पी लो कुछ भी कर लो। दिस इज नंबर 8 प्ले टाइम सॉफ्ट मैट लिप क्रियॉन सेम, ये नंबर 8 है, और ये इस तरह का कुछ न्यूड शेड है, कितना ब्यूटीफुल शेड है। मैं आपको नेचुरल लाइट्स में दिखा रही हूँ सो दैट आपको प्रॉपर पता चले, लिप स्वेचेस भी इसके मैं आपको दिखा दूंगी। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल न्यूड शेड है, बहुत ही अच्छा है, और अगेन आप देख सकते हो कितना स्मूथली लग रहा है, यानी कि लगाते टाइम बहुत ही स्मूथ है, और उसके वन मिनट के अंदर पूरा मैट में सेटल हो जाता है। हैवी पिगमेंटेशन है कि पिगमेंट बहुत ज़्यादा है, आप एक बार ग्लाइड करोगे लिप्स के ऊपर तो आपको फुल पिगमेंटेशन मिल जाएगा। नंबर 6 है मेरे पास, ये भी कुछ न्यूड कलर है, न्यूड लवर्स के लिए आज मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे शेड्स लेके आई हूँ क्योंकि मेरी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखिए ये भी बहुत प्यारा सा न्यूड शेड है। नंबर 2 ये तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मैं पिंक लवर हूँ और मुझे मजेंटा डार्क बहुत पसंद है, तो ये देखिए डार्क मजेंटा शेड है, और ये बहुत ही खूबसूरत है, मुझे सारे शेड्स में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल यही शेड लगा है क्योंकि मुझे इस शेड से बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब इसी का डार्कर शेड है ये वाला। ये 3 नंबर अगेन अ न्यूड शेड, ये देखिए ये भी न्यूड शेड है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको कलर्स में, ये देखिए ये और ये काफ़ी मैच कर रहा है थर्ड नंबर वाला और दिस वन, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर है। लाइक 5 मेरे पास जो कि बहुत ब्यूटीफुल डार्क शेड है, यानी अगर वेडिंग्स में जाना है या डार्क शेड, तो वैसे भी रेड शेड एक ऐसा शेड है जो हर एक लेडी के पास होना चाहिए, लेकिन ये जो फॉर्मूला है दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मूला, मतलब पर्पल के लिप क्रियॉन एंड पर्पल की वेलवेट मैट लिपस्टिक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। दिस इज़ द ओनली रीज़न मैंने सारे कलर्स, मतलब काफ़ी सारे कलर्स मंगवा के आपके लिए रिव्यू कर रही हूँ। तो ये देखिए रेडिश है, रेडिश क्या है, रेड है पूरा, ये देखिए ये थोड़ा सा पहले जो आए थे ना, मतलब जो सबसे पहले लिप पर्पल के लिप क्रियॉन आए थे ये वो हैं, और जो अभी तक मैं दिखा रही थी ये न्यू लॉन्चेस हैं। तो ये वाला कुछ ऐसे दिखाई देता है, इसका पैकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन पर्पल का ही है, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अभी वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त वाले ऑफर चल रहे हैं तो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ ऊपर लगा के दिखा देती हूँ, जगह ही नहीं बची, ये भी बहुत ब्यूटीफुल न्यूड शेड है, ये भी कुछ न्यूड शेड है, न्यूड पिंक कह सकते हैं ऐसे, बड़ा ही प्यारा शेड है, अगर किसी को लाइट पिंक पसंद है ना तो बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा पिंक शेड है, मैं क्या बताऊँ, मतलब प्रिशा को ऐसे शेड्स बहुत पसंद है आपको पता है, और गर्ल्स पे ये शेड बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब हल्का सा टिंट, अगर आप हल्का सा टिंट चाहते हो, ज़्यादा आपको कुछ नहीं लगाना है लेकिन आप चाहते हो कि आपके लिप्स पे वो टिंट बना रहे, निकले नहीं, तो उसके लिए ये लिप क्रियॉन्स बेस्ट हैं, बेस्ट, मैं इन्हें बेस्ट लिप क्रियॉन कहूँगी टिल नाउ। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals.
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना इजीली आप अपने लिप्स को शेप कर सकते हो। और इसके बाद इसका पिगमेंट देखिए, जब मैं अप्लाई करूँगी बहुत हाईली पिगमेंटेड है और बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है वहाँ पे। आप अगर दो लिप क्रियॉन खरीदेंगे तो आपको एक फ्री मिलेगा, तो चेकआउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक। कैसे लगे आपको सारे लिप कलर्स? बिग 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 थम्स अप है इन सभी कलर्स के लिए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी लिप क्रियॉन्स यूज किए हैं, जितने भी ब्रांड्स के, दिस इज द बेस्ट वन। मुझे सबसे ज्यादा इसी का फॉर्मूला पसंद आया। आपके सामने अप्लाई किया है, फिर से दिखा देती हूँ, और ये वही कलर है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, दिस वन। ये मेरा फेवरेट कलर है, अक्सर आप मुझे लगाए देखते हो। और बहुत वक्त आपको बताने का मीनिंग ही सिर्फ ये है कि भाई आप वहां पे पूरा फायदा उठा सके। तो वहां पे ऑफर चल रहा है पर्पल बाय टू गेट वन फ्री, यानी कि अगर आप दो ऐसे लिप क्रियॉन खरीदेंगे ना, सपोज आपने दो उठाए, तो आपको एक बिल्कुल फ्री मिल जाएगा साथ में। तो इससे अच्छा ऑफर आपको कहाँ मिलेगा? तो अभी चेकआउट कर लीजिए। सपोज आपको कोई भी लिप क्रियॉन पसंद आ रहा है तो बाद में बाय करने से अच्छा है अभी बाय कर लो, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, दो लिप क्रियॉन के ऊपर एक लिप क्रियॉन फ्री है। चलिए फिर आगे का व्लॉग एंजॉय कीजिए। आई होप आपको लिप स्वेचेस पसंद आए होंगे, पसंद आए हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी शाम की चाय बन रही है। शाम की चाय दिखानी तो बनती है, अगर मैं बनाती हूँ तो ज़रूर दिखाती हूँ, क्योंकि आप ही लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है शाम की चाय देखना। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sound. Good evening guys, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माई चैनल। तो शाम का टाइम हुआ है, रात का टाइम है एक्चुअली, चाय पीते पीते रात हो गई है। आपने देखा मैं कपड़े वपड़े धो रही थी। आज दिन में कुछ इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि कपड़े वगैरह धोऊं, तो फिर मैंने शाम के टाइम मशीन लगाई। तो अभी भी थोड़े से कपड़े बाकी हैं। अभी टाइम कितना हो गया, 8:45 बज गए हैं। तो बस वही सब चल रहा है, कपड़े धुल रहे हैं एक साइड पे, एक साइड पे। मैं अभी भगवान का दिया करूँगी, शाम का टाइम है, और घर में ऑफकोर्स मैं दिए भी जलाऊंगी, मतलब लाइटिंग्स जो आपने अभी भी मुझे, मतलब कितने दिन से आप देख रहे हैं मुझे लाइटिंग वगैरह रोज़ जलाते हो शाम को। और सच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब घर में ऐसे साफ़ सुथरा एकदम घर पड़ा है। मतलब साफ सुथरा इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि आपको झाड़ू पोछा लगाना है, लेकिन थोड़ा बहुत जेन्युइनली जैसे फैल जाता है, बच्चे फैला देते हैं मेरे भी वो ठीक करके, और फिर जब लाइटिंग्स करो घर में और भगवान का दिया और कपूर वपूर जलाओ, धूप जलाओ, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत ज़्यादा मुझे तो होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। आज लेट हो गई हूँ थोड़ी सी दिया करने के लिए, हुआ यूँ कि कपड़े धो रही थी, तो थोड़ा सा होता ना, मैं जिस काम में लग जाती हूँ फिर उसको ही फटाफट फिनिश करने के चक्कर में रहती हूँ, तो वो उसमें लगी रही तो लगी रही। मैंने ना लास्ट टू लास्ट या दो चार ब्लॉक पहले लिप कलर लगाया था। मुझे किसी ने पूछा था कि दीदी प्लीज़ बता दीजिए कौन सा लिप कलर है। तो ये ना एक्चुअली लोकल मार्केट का है, लोकल मार्केट में भी यहाँ काफ़ी सारे लिप कलर्स मिलते हैं, और फर्स्ट कॉपी होती है आई थिंक वो किसी भी ब्रांड की। तो उस पर लिखा तो हुडा ब्यूटी था, लेकिन वो एक्चुअली ओरिजिनल हुडा ब्यूटी नहीं है, लेकिन अच्छा है। ये पिंक भी नहीं है, ये मरून भी नीं है, ये ब्राउन भी नहीं है, ये थोड़ा अलग सा शेड है, मॉव काइंड ऑफ, मॉव और पिंक मिक्स ऐसे कुछ शेड है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, न्यूडिश लगता है, और इस मिडी के साथ काफ़ी अच्छा जाता है। मंगलसूत्र पहन रखा है, देख लीजिए जी, आप लोग हमेशा कहते हैं कि दीदी मंगलसूत्र लगा के रखा करो, और नेल पेंट बिल्कुल छूट चुका है, गंदा लग रहा है। परफेक्ट हूँ वैसे, थोड़ा बेटर हूँ, जैसे बीच में थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, पर अब थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी मैंने आराम किया पीछे कुछ दिन, लगभग एक डेढ़ हफ्ता मैंने काफ़ी आराम किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए तो अभी बातें हम थोड़ी देर के बाद करते हैं, पहले मैं दिया वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है तो करना ही चाहिए, है ना? तो पहले वो कर देती हूँ और उसके बाद में फिर बात करते हैं। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight,
तो गाइज़ यहाँ पे इन दोनों को मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा पढ़ा लूँ, क्योंकि अभी तो वैसे छुट्टियाँ कर दी है गवर्नमेंट ने, पर छुट्टियाँ ख़त्म होंगी 31 मार्च को, और अगर तब तक सिचुएशन संभल गई तो 100% इन लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। इनके टीचर्स ने मुझे व्हाट्सअप कर दिया है, इनका जो दूसरा वाला जो इनका टाइम टेबल है एग्ज़ाम्स का, वो मुझे व्हाट्सअप कर दिया है। तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा इनको घर पर ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूशन क्लासेज वगैरह सभी कुछ बंद हो चुकी हैं और अभी जल्दी से पढ़ने बैठता नहीं है। अभी आपको घर में विवेक दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि वो घर में नहीं है, किसी काम से गए हुए हैं, बहुत अर्जेंट काम था जिससे वो बाहर गए हैं। और आटे का हलवा आप सबने सुना होगा, गेहूं के आटे का हलवा, वो एक्चुअली ना प्रिशा को बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब प्रिशा ने विवेक को बताया कि मम्मी बहुत टेस्टी बनाया करती थी, मैंने काफ़ी साल से नहीं बनाया है, एक बार वो बाहर गए थे कहीं तब बनाया था, तो प्रिशा को वो टेस्ट आज भी याद है। तो प्रिशा ने विवेक को बोला, तो विवेक मेरे पीछे पड़ गए हैं कि बस आज तो आटे का हलवा बनाना है। और कहते हैं ना, वो पति की बात टाले तो हम गए काम से, क्योंकि जब भी उनको किसी चीज़ का खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है हस्बैंड का, और अगर वो ना बनाओ ना तो इनका मुँह फूल जाता है, मतलब फिर तो मैं गई काम से। तो आज मैं शायद आटे का हलवा बनाने वाली हूँ, देखते हैं और साथ में क्या बनाती हूँ, पर आटे के हलवे की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। आज कुछ स्पेशल सब्जी नहीं बनने वाली है, तो फिर सब्जी की रेसिपी शेयर करने का तो कोई मीनिंग नहीं बनता है, लेकिन आटे का हलवा ज़रूर मैं बना के बताऊँगी। और मैंने सीखा था मेरी मम्मी से, मेरी मम्मी काफ़ी बनाती है। सूजी का हलवा तो सभी को आता है, मुझे भी आता है, मैं भी बनाती हूँ, लेकिन आटे का हलवा चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरह से बनता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो मुझे गणपति को भी भोग लगाना है एक्चुअली, सच बोलूँ ना तो बहुत दिनों से मैं सोची थी गणपति के लिए भोग लगाने के लिए। तो ये मैंने एक कटोरी आटा लिया है, तो जब भी मैं कोई मीठी चीज बनाती हूँ ना, पहले गन्नू को भोग लगाती हूँ, मेरे गन्नू जी को। तो यहाँ पे डिजायर्ड घी डाल देना है, जितना भी लाइक आपको घी लगेगा। और एक कटोरी आटे के लिए पानी बहुत कम लगता है इसमें, और मैंने इलायची साइड पे कूट के रख ली है। बस अब इस आटे को डाल देना है घी में, जब घी गर्म हो जाए, और फिर जैसे हम हमेशा हलवे के लिए घी को सेक सॉरी आटे को या सूजी को सेकते हैं, उस तरह से मीडियम फ्लेम पे इसको सेकते रहना है। गैस को तेज़ नहीं करना है, नहीं तो आटा जलने का खतरा रहता है, तो इसीलिए। और थोड़ा घी मुझे कम लग रहा था, तो मैंने घी थोड़ा सा और डाल दिया है। और कुछ लोग कहते हैं ना, भैया को ये सब चीज़ें मत खिलाओ, तो भैया बहुत कम, मतलब जीजू भैया आप जो भी बोलते हैं, कुछ लोग भैया कहते हैं, कुछ लोग जीजू बोलते हैं, तो ज़्यादा मैं नहीं बनाती हूँ ये चीज़ें, लेकिन कभी कभी तो बनती हैं बच्चों के घर में, हम हमेशा अवॉइड नहीं कर सकते। और मुझे गन्नू को भोग भी लगाना है। वैसे विवेक ने और प्रिशा ने तो आज बोला, मैं तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि कुछ मीठा बना के मैं गन्नू जी को भोग लगाऊं, क्योंकि कुछ कुछ दिनों में कुछ ना कुछ मीठा बना के मेरी आदत है उनको भोग धराने की, और मुझे अच्छा लगता है यार उनको भोग धराना। आप सबको पता है गणपति मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, और गणपति के साथ मेरा कुछ मतलब पता नहीं, एक होते हैं ना अपने एक फेवरेट आइडॉल होते हैं, तो वो ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए इसको भून रही हूँ आटे को, कहीं जल ना जाए, और फ्लेम को जो है वो मीडियम रखना है। थोड़ा बहुत फास्ट कर सकते हैं आप अगर बहुत ज़्यादा धीमा हो जाए आँच, लेकिन बीच बीच में आपको धीमा तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आटा जलने का खतरा रहता है। अच्छा, इसमें बताती थी शुगर जो है वो ऑलमोस्ट जितना आटा है उतनी ही पड़ती है, लेकिन हाँ उतनी ही पड़ेगी, और पानी जो है वो बहुत कम पड़ेगा। मैंने ना क्या किया पता है, एक कटोरी आटा लिया है, तो एक कटोरी पानी लेके साइड पर रख दिया है। पहले मैं एक कटोरी पानी डालूंगी, और अगर मुझे ज़रूरत लगेगी ना तो ही मैं पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक कटोरी जितना आटा था उतनी चीनी ले ली, आप देख सकते हैं साइड पे। इसको कांस्टेंट स्टिर करते जाएंगे जब तक कि आपको एक भीनी भीनी सी मस्त सुगंध ना आने लग जाए, वहाँ तक आपको इसको फ्राई करते रहना है, मतलब रोस्ट करते रहना है। और फिर इसके बाद जब आप श्योर हो जाएं कि भुन गया आपका आटा, तो जितना आटा था उतना ही कटोरी मैंने पानी डाला है, और फिर तुरंत ही चीनी डाल दी है, और सारी ही चीनी अंदर जाएगी, आप देख सकते हैं मैंने सारी डाल दी है। तो बिल्कुल बराबर का पानी मैंने डाला है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो चलता है, लेकिन मेरे ख्याल से बराबर का पानी आटे के हलवे में ठीक रहता है, क्योंकि अगर आटे के हलवे में थोड़ा सा भी ज़्यादा पानी हो जाए ना, तो आपका जो आटे का हलवा है वो ये हो जाता है, पानी पानी जैसा हो जाएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट बराबर का डाला है। आप जैसे सपोज एक कटोरी आटा है, तो सवा कटोरी पानी भी ले सकते, बस इससे ज्यादा नहीं लीजिए। आप उतना पहले डाल के देखिए, और तरत चीनी डाल दीजिए तुरंत। अगर आपको कम लगे फिर आप कुछ उसमें छिड़का विड़का मतलब पानी का छिड़का दे सकते हैं, अदरवाइज तो इतना मेरे ख्याल से इनफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मैं कॉन्स्टेंटली स्टिर कर रही हूं, और मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया। और ये तब तक स्टिर करना है जब तक कि ये घी ना छोड़ दे, ये पूरा कढ़ाई से अलग हो जाएगा, घी छोड़ देगा, मतलब एकदम से ना आप देख सकते हैं बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगा है हलवा। तो समझ लीजिए कि हमारा हलवा जो है वो अप्रॉक्सीमेट तैयार हो चुका है, और ये बहुत ज्यादा यमी लगता है। और अगर आप मोटे पिसे हुए आटे का बनाएंगे ना, तो ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा, ट्रस्ट मी। तो इसको बस अब मैं एक साइड से मैंने सांडसी से पकड़ लिया है, और बराबर इसको चलाऊंगी जब तक कि मुझे सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि पूरी तरह से भुन चुका है। तो ये देखिए पूरी कढ़ाई छोड़ चुका है, काफ़ी भून लिया है मैंने, मेरा हलवा तैयार हो चुका है। तो अब मैं गणपति के लिए एक प्लेट में निकाल दूंगी।
तो यहाँ देखिए मैंने गणपति के लिए जो उनकी चांदी जैसी कटोरी मैंने मीशो से मंगवाई थी उसमें मैंने निकाल दिया है। और अब मैं आपको कढ़ाई में भी दिखा देती हूँ कितना ज़्यादा यमी लग रहा है, आप खुद देख लीजिए। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब मैं बच्चों को दे रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि बच्चों से तो मीठी चीज़ बनती है तो इंतज़ार होता नहीं है। गन्नू को मैंने भोग लगा दिया है तो ये मैंने बच्चों को दिया है। अब थोड़ी देर के बाद आपको बताऊँगी कि बच्चों ने क्या रिएक्शन दिया, उनको पसंद आया नहीं आया, आपको कैमरे के सामने बताती हूँ। हलवा बहुत ही ज़्यादा यमी था, इस तरह से ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बना था। और ये मैंने मेरी मम्मी से सीखा था, जब मैं मेरे मायके में थी तब मम्मी बहुत बार ये बनाया करती थी और इतना ज़्यादा हमें पसंद था। तो प्रीशा मुझे बहुत दिन से कह रही थी मम्मी आटे का हलवा कब बनाओगी। इस काफ़ी सारे बचे हुए हैं तो हलवा मैंने भगवान को भोग लगा दिया, मेरे गणपति पप्पा को मैं कहा आज आप पेट भर के हलवा खाओ, और उनके सामने पानी भी रख दिया है। और अभी खाने में हम क्या करेंगे, दोपहर के जो राइस है ना वो काफ़ी सारे बच गए हैं तो उनको फ्राइड राइस बनाऊंगी मैं। कौन सा वाला, चाइनीज़ वाला बिल्कुल भी नहीं, प्याज काटूंगी और प्याज और राई वाले जो चावल होते हैं ना फ्राइड राइस वो बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे भी रात को कोई इतना खाता नहीं है ना तो बस हो जाएगा, ये हलवा भी सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया। विवेक अभी बाहर गए हुए किसी काम से तो वो आके खाएंगे। प्रीशा ने थोड़ा सा खाया, ज़्यादा नहीं क्योंकि वो डाइट कर रही है, उसकी बर्थडे आ रही है तो शी वॉन्ट्स कि वो थोड़ी स्लिम ट्रिम दिखे, तो इसलिए उसने डाइट स्टार्ट की हुई है। अभी टाइम कितना हो गया है सब करते, 9:15 बज गए हैं, तो बस अब मैं फ्राइड राइस बनाने ही जा रही हूँ। तो आपको आराम से मिलती हूँ अब, है ना, थोड़ा सा काम वाम कर लूँ, कल के ब्लॉग की जो है एडिटिंग शुरू कर दूँ, फिर राइस वगैरह फ्राई करके बैठ जाऊँगी एडिटिंग करने, मतलब सारे क्लिप्स वगैरह अरेंज कर दूँ मैं, प्रोजेक्ट चढ़ा दूँ और उसके बाद में फिर राइस फ्राई कर लेते हैं। चलिए फिर फिनिश करके काम लास्ट में आपको मिलती हूँ ब्लॉग एंड करने से पहले, तो मिलते हैं एक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। बाय, नहीं हो सकता, मैं आ गई। बहुत टेस्टी बना था और स्मेल तो माय गॉड, पहले तो स्मेल से ही मेरा पेट भर गया, फिर खाया मेरा बच्चा, रे बच्चा आजकल बिजी है, बच्चा के एग्जाम आ रहे हैं तो बच्चा बिजी हो गया है, बहुत सारा बिजी है। मम्मा के लिए बच्चे के पास टाइम नहीं है, छोटा बाबू इतना बिजी है। मम्मी आपकी कंप्लेन करूँ? हाँ करो। ये भी अपनी फ्रेंड से बातें करती रहती है यूट्यूब में फ्रेंड से, लेकिन कल ही बात की और आज ही बात की, एल्स फिर हमेशा आप लोग की एडिटिंग में लगी रहती है, हमेशा आप लोग की शूटिंग में लगी रहती है, आप लोग की शूटिंग की आइडियाज सोचती है, हमसे तो कुछ बात ही नहीं करती। तो गाइज अचानक से फिर विवेक आए थे और हम लोग थोड़ा बाहर कार में घूमने निकल गए थे क्योंकि ज़्यादा आजकल कहीं जा नहीं रहे, तो कार के जो कांच हैं ग्लासेस हैं वो बंद करके थोड़ा बहुत हम घूम लेते हैं तो मन लग जाता है, कहीं निकल नहीं पाते ना आजकल कोरोना वायरस की वजह से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा पसंद आए तो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, लिप क्रियॉन्स बहुत ही अमेजिंग है। लव यू गाइज़, बाय बाय।